नमस्ते, मैं राजकुमारी। मेरे YouTube चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में आज यहाँ पर कर रही हूँ जहाँ मैंने हैंगिंग पॉट मेरे लगा रखे हैं। और आज का वीडियो भी अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं रोज़ रोज़ आपके लिए कुछ नया नया लेके आती हूँ। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो में बने रहिए। और देख लीजिए, ऐसा भी आ रहा है फ्रेंड्स, देखो हैंगिंग पॉट से गिलहरी ने है ना फ्रेंड्स मेरा है ना बहुत सारा नुकसान कर दिया। और आज भी है ना जो वो है ना सारे ही है ना जो गार्डन में है ना आने लग गई है। और अभी फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर पहले छत पे से आई थी और उस मतलब एक घंटे पहले आई थी फ्रेंड्स। अब जा रही हूँ दोबारा क्योंकि नहाना धोना होता है तो इतनी देर तक तो बैठी भी नहीं रह सकती मैं। और आज पता नहीं क्या किया होगा उसने, कल तो मेरा जो नया फ्लावर प्लांट था फ्रेंड्स जो उसको उसकी पत्तियाँ खा चुकी थी और सारे है ना जो गेहूँ के जो देंगिया थी उनको भी खा लिया उसने। और बस मंडरा रही है अंदर। अब देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक बात और कहना चाह रही थी कि जैसे अब गर्मी आ गई ना तो मैं पॉट बनाना दोबारा से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे पास है ना जो सामान रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने कई वीडियो डाली है हैंगिंग पॉट की और जैसे वाइट सीमेंट की पॉट की। तो फ्रेंड्स सारा सामान मैंने ऊपर ला कर रख लिया है, दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स मैं आपसे बोल रही थी ना कि गिलहरी है ना जो कुछ खा रही है, तो फ्रेंड्स वो तो मेरे गेट के सामने बैठी है, आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जिसकी चर्चा कर रहे थे वो मैडम है ना सामने ही बैठ के आराम से खा रही है यहाँ पर, ये देख लीजिए। अब इसका क्या करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कलर के डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं मेरे पास यहाँ पर। और एक पॉट फ्रेंड्स मेरा पहले का अधूरा पड़ा हुआ है, अभी इसको मैंने कम्प्लीट नहीं किया है। और इस प्रकार से तार पिन वगैरह ये ला रखे हैं और ये देखो थोड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है कवाड़ा सा। मैं छत पे आ चुकी हूँ और फ्रेंड्स कल भी है ना मैंने बहुत सारे प्लांटों को ना जो बड़े पॉट में शिफ्ट किया क्योंकि है ना गर्मी के फ्लावर प्लांट थे सारे, तो अब उनको ना क्या छोटे में थोड़े अच्छे से ग्रोथ नहीं होती इसलिए मैंने बड़े में शिफ्ट किए कल। और आज बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देती हूँ फ्रेंड्स नेट को, मैंने जो नेट को हटा दिया है। और फ्रेंड्स एक भी गिलहरी नहीं है, चार चार गिलहरी है, नाम भी नहीं आ रहा फ्रेंड्स मुझे ढंग से लेना। और आज है ना जो गार्डन में ना जो फ्लावर मतलब उनका जो खिलने का अंदाज है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बदल चुका है और इतने अधिक संख्या में फ्लावर आने लग गए हैं क्योंकि जो नए फ्लावर प्लांट लेकर आई थी फ्रेंड्स उनमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और गुलाब का फूल है फ्रेंड्स जो कल थोड़ा सा खिला था आज वो बहुत अच्छा खिल चुका है, तो दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स गुलाब का फूल मेरा खिलने लग गया है और देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा फ्लावर खिलेगा ये। और फ्रेंड्स मैं न्यू ईयर के दिन लेके आई थी इसको, पर मैंने उसको दूसरे दिन लगाया था तो इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। और फ्रेंड्स मैं इसको बिल्कुल ऐसे मतलब एक इसके अंदर कुछ पत्तियां भी नहीं थी फ्रेंड्स उस कंडीशन में लेके आई थी, आप मेरे वीडियो चेक करना। तो देखिए फ्रेंड्स बस इसकी थोड़ी मिट्टी अच्छी बनाई और खाद बीज का इसका ध्यान रखा गया, गुड़ाई का ध्यान रखा गया। तो देखो फ्रेंड्स कितना अच्छे से इन्हें फूल खिल चुका है फ्रेंड्स। और अभी बस इसमें नई नई कलियाँ बन रही है और अब बस इसके है कि फ्रेंड्स इनको ने जो जैसे गुलाब है मोगरा है इनके अंदर ने जो जैसे सरसों की खल का लिक्विड खाद वो डालती रहती हूँ, लहसुन प्याज का वो डालती रहती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी से मस्त फ्लावरिंग हो रही है और फ्रेंड्स कलियाँ बहुत शानदार बन रही है फ्रेंड्स। और मैं जब लाई थी फ्रेंड्स आप बिल्कुल आप ये वीडियो देखना कि मैंने न्यू ईयर के दिन अभी डाला था वीडियो, तो इसमें कुछ भी पत्तियाँ नहीं थी, बस थोड़ी बहुत मतलब मरी कंडीशन में था ये। और इसके बावजूद फ्रेंड्स देखो मैंने इसकी केयर ऐसी की है फ्रेंड्स जिससे इसमें बहुत सारी तो कलियाँ बन रही है। और देखिए फ्रेंड्स बहुत शानदार कलियाँ में भी है ना फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला फ्लावर भी है ना जो फ्रेंड्स खिल चुका है, ये भी खिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इसका भी खिलना स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स जब से मैंने कल भी आपको ये बताया था जब घर पे ला कर लगाया फ्लावर प्लांट तो फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ और अच्छी हो रही है। और आज तो फ्रेंड्स मेरे मोगरे के अंदर भी है ना बहुत शानदार सी है ना जो कलियाँ दिखने भी लग गई है आज, तो ये देख लीजिए। ये जो गजनिया के फ्लावर कितने मस्त खिल रहे हैं फ्रेंड्स और अब ये धूप में खिलने वाले हैं। और इधर ये देखो ये थोड़ा सा अपना जो मुंह बंद करने लगे हैं फ्रेंड्स और ये वाला भी खिला हुआ है बहुत अच्छी कंडीशन में। और ये पिंक वाले में फ्रेंड्स कल तो फ्रेंड्स इसकी पत्तियाँ खाई थी गिलहरी ने और आज इस वाले फ्लावर की खा चुकी है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने जस्ट उनको भगाया है। और फ्रेंड्स एक भी नहीं है, चार चार है ना, चार चार गिलहरियाँ हैं, अब कैसे कवर करूँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस फ्लावर प्लांट का मेरा ध्यान था पर मैं मेरे माइंड से निकल चुका है। और फ्रेंड्स ये देखो जीनिया के फ्लावर बहुत अच्छी तरीके से ना जो
फ्लोवरिंग पे आ रहा है। और फ्रेंड्स आपको गैलरी में अभी दिखाई देती हूँ, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करने लग गई है और छुप गई है उधर जाके। और देखिए फ्रेंड्स गैलरी की है ना ज़्यादा टेंशन होने लग गई है। और फ्रेंड्स मैं नहाने धोने नीचे चल जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करूँगी। और फ्रेंड्स ये गैलरी तो इस प्रकार से नुकसान करेगी तो और क्या करें फ्रेंड्स, अब ये जीव जंतु भी ऐसे ही हैं, एक तरह तो अच्छे भी लगते हैं और एक तरह से टेंशन भी करते हैं ये। और अभी फ्रेंड्स मैंने जो सदाबहार का जो कल का फ्लावर प्लांट था फ्रेंड्स, उसको मैंने अलग किया था तो उसमें भी मस्त फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड्स इसकी कटिंग लग जाती है तो मैंने कटिंग भी लगाई थी तो वो भी दिखाती हूँ आपको, ये देख लीजिए। कल मैंने सदाबहार का जो दूसरा वाला प्लांट था इसको भी है ना मैंने जो इसमें दूसरे में शिफ्ट किया था, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है। वैसे तो फ्रेंड्स साल भर ही फ्लावरिंग करता है, फिर गर्मी में कुछ ज़्यादा करता है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इसको मतलब छोटे पॉट में लगा रखा है तो आप बड़े पॉट में लगा दीजिए। और फ्रेंड्स इसकी प्रूनिंग कर दीजिए अगर इसको घना करना है तो। फ्रेंड्स मैंने देखो चारों तरफ से इसको पिंच कर दिया था तो ये अच्छे से इन्हें जो बिल्कुल घना हो चुका है और इसकी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगाई थी तो इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई है अब, तो फ्रेंड्स इसकी भी कटिंग लग जाती है, ये स्टार्ट हो चुकी है और इसमें ना फ्लावरिंग बहुत मस्त होती है। तो अभी इसको है ना मैंने साइडों से कट कर दिया था तो देखो कितनी सारी ब्रांच निकल चुकी है इसके अंदर भी। बस इनको हफ्ते में एक बार खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है तो मैं डालती रहती हूँ। और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स देख लीजिए। और सब में फ्रेंड्स मैं एक ही तरह का खाद डालती हूँ, जो लिक्विड खाद है फ्रेंड्स वो ज़्यादा डालती हूँ मैं। फ्रेंड्स आजकल है ना जो रोज है ना मिक्सिंग में वीडियो बन रहा है तो आज भी फ्रेंड्स मैंने जो फोर्चुला की कटिंग लगाई थी तो क्योंकि है ना अभी जो गर्मी के जो फ्लावर है फ्रेंड्स सब उनकी तैयारी चल ही रही है और सब्जियों की भी तैयारी चल रही है तो फ्रेंड्स सब सब्जियों की ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होगी। और फ्रेंड्स गिलकी की है ना जो अच्छे से ग्रोथ होने लग गई है और लौकी की है फ्रेंड्स वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और कल ना फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड आई थी तो फ्रेंड्स उसको उनको भी मैंने थोड़े से लौकी के बीज दिए और थोड़े से पौधे भी दिए उनको मैंने। तो मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और अभी भी मेरे पास भिंडी के बहुत सारे बच रहे हैं तो मैंने क्यों ना सोचा कि दे तो अच्छा ये लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो लगाता है घर में और वो केयर करता है तो फ्रेंड्स वेस्टेज जो पौधे जाते हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो लेके गए कल और फ्रेंड्स उनने भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब फ्लावर प्लांट वगैरह सब लगा रखे हैं, उनको बहुत शौक़ है। तो अभी फ्रेंड्स मेरे तो गैलरी का ज़्यादा टेंशन हो रहा है बस, क्योंकि गैलरी अगर एक बार आने लगी ना फ्रेंड्स तो फिर वो परेशान करेगी। और फ्रेंड्स इस साल ही आने लगी गैलरी क्योंकि इस बार गेहूँ की जो देंगी है ना वो उग चुकी थी और फ्रेंड्स गई साल मैंने गेहूँ की देंगी उगी नहीं थी तो वो आई नहीं थी। अब फ्रेंड्स वो अभी कल खाई है, अब दो चार दिन तक फ्रेंड्स ऐसी चीज़ यहाँ पर जो नहीं रखनी पड़ेगी, जैसे गेहूँ में मैं कबूतर को दाना डालती हूँ तो फ्रेंड्स उनको हटाना पड़ेगा तब जाके वो रुकेगी, नहीं तो फ्रेंड्स वो नहीं मानेगी। चलो कोई बात नहीं। और अभी फ्रेंड्स सेम की भी है ना अच्छी सी ग्रोथ तो हो रही है और कुछ फलियाँ इतनी साइज से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और अभी फ्रूटिंग है ना ज़्यादा नहीं है, अभी फ्लावरिंग पे दोबारा से आ रहा है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स थोड़ी बहुत फली निकलेगी जो निकाल लूँगी अभी। तो यहाँ से कितना व्यू आ रहा है, मस्त फ्लावरों का व्यू आ रहा है। और फ्रेंड्स डेलिया में दूसरा फूल है जो खिलने लगा है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया था अभी। और फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर व्यू आने लग गया है। और फ्रेंड्स फ्लावर प्लांट ने तो उन्हें फ्रेंड्स मेरे गार्डन को थोड़ा सा नया लुक दे दिया है और अब गुलाब की जो फ्लावरिंग होने लग जाएगी तो फ्रेंड्स अब और शानदार लगेगा। और फ्रेंड्स येलो कलर का है जो वो भी अब है ना जो कली खिलने में आ गई है और फ्रेंड्स बहुत ही शानदार लुक लग रहा है देख लीजिए है ना। अभी जो मेरे मुंड में एक चीज़ जम गई थी तो क्यों ना जाए मैं इनकी, अब जैसे जीनिया का फ्लावर प्लांट है तो फ्रेंड्स इनके ना जो धूप पे रख रखे पोट के ना जो कलर ख़राब हो चुके हैं तो मैंने जो स्टार्ट तो कर दिया और मैंने सोचा आपके साथ में शेयर किया जाए तो दिखाती हूँ आपको। जीनिया के जो फ्लावर प्लांट है फ्रेंड्स जो ये पोट है ना इनका कलर फैट हो गया तो मैं सोच रही थी इनके सारे को कलर करूँगी तो मैंने इस प्रकार से ये पुराना जो गमला है उल्टा करके इस पर रख दिया है। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स मेरे सारे सामान रखे हुए हैं तो पिछले कलर मेरे बचे हुए हैं और अब दोबारा से फ्रेंड्स अब गर्मी आ गई है तो मैंने पोट वगैरह दोबारा बनाऊंगी और अभी है जो पुराने इनको जो कलर पेंट कर देती हूँ तो अभी इसको करके और फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने जो रेड कलर लिया है और अभी करती हूँ और फ्रेंड्स एक एक हाथ करूँगी ना एक एक बारी जिसमें इन्हें बहुत अच्छे से इन्हें इनका नया कलर आ जाएगा। और फ्रेंड्स गमले है ना जो पुराने हो गए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और फ्रेंड्स मेरा क्या स्टैंड टूट चुका है तो मेरे को हाथ में पकड़ के ही करना पड़ रहा है तो अभी मैं आपको इसको करके बताती हूँ।
फ्रेंड्स पुराने गमले का जो कलर उड़ गया था, मैंने एक 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 बार पोतने से फ्रेंड्स इसके सारे हैं ना जो अच्छे से लुका चुका है। और फ्रेंड्स मैं सारे गमलों पर जिनके कलर फेट हो चुके हैं फ्रेंड्स सब पे मैं इन्हें कलर करूँगी। देख लीजिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, नए हो गए जैसे कैसे अभी मार्केट से ख़रीद के लेके आई हूँ। और फ्लावर प्लांट और दोनों का मैच मैच कलर हो रहा है, थोड़ा सा हल्का पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन हो चुका है फ्रेंड्स। मैं दूसरा वाला जीने का जो फ्लावर प्लांट था वो भी ले आई हूँ और सारे है ना फ्रेंड्स धूप में रखे रखे ना कलर फैट हो गए इनके, तो मैं सोच रही हूँ सारों पे करूँगी फ्रेंड्स धीरे धीरे। तो स्टार्ट तो मैंने आज से ही कर दिया है। तो फ्रेंड्स पुराने गमलों को भी नया लुक दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मन चाहे आप डॉट्स बना सकते हो उस पर। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसने रेड कलर से कर रही हूँ उनको सबको। अब देखते हैं फ्रेंड्स कितने को कलर करती हूँ अभी। और ये भी कलर होने के बाद फिर स्पोर्ट भी है ना नया लुक आ जाएगा और थोड़ा गार्डन में भी अच्छा लगेगा। और फिर ऐसे ये है ना जो कलर बहुत अच्छे रहते हैं एशियन पेंट के लाती हूँ मैं तो। और फिर पिछली बार के रखे हुए हैं मेरे ये, तो अभी इसको करके दिखाती हूँ आपको। एक पोट पोतते पोतते फ्रेंड्स मैंने तीन तो पोत दिए और मतलब पोतना फ्रेंड्स में हमारे ऐसे बोलते हैं। तो अभी मैं गुलाब का पौधा भी ले गुलाब का जो पोट है वो भी ले आई हूँ और अभी मैंने जो दूसरे पोट में किया वो भी दिखाती हूँ आपको। मैंने गजनिया का जो दूसरा प्लांट था फ्रेंड्स इसमें भी कर दिया है। और फ्रेंड्स बहुत गंदे लग रहे थे मुझे इतने दिनों से, मैं कुछ ना सोच रही मेरे पास कलर वगैरह पड़े हुए हैं तो कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए अब मैंने ले लिया ये गुलाब का प्लांट और ये रहा गमला, इसके अंदर ये गमला है तो फ्रेंड्स इसके भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको भी नई एक तरह से नई जान आ जाएगी इसके अंदर। और गुलाब के जो फ्लावर खिला है उसको भी है ना जो अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स इस वाले पॉट को भी मैंने कर दिया है और मैंने सोचा कि ना लास्ट का सूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो देख लीजिए दूसरा वाला पॉट लेके आ चुकी हूँ और इसमें लग रहा है मेरे गुलाब का दूसरा वाला येलो वाला। और फ्रेंड्स इसको भी मैं अभी पॉट इसको भी है ना जो पुताई कर देती हूँ फ्रेंड्स, इसको पेंट कर देती हूँ क्योंकि ये चारों को तो कर दिए हैं मैंने, मतलब पाँच तो कर दिए फ्रेंड्स, इसको लास्ट और कर देती हूँ। सारे को कलर कर दिया है, सारे तो नहीं करे फ्रेंड्स कुछ कुछ करे हैं, मतलब सात गमलों के मैंने ने जो कलर पेंट कर दिया है और आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं। और बच्चों को पता ही नहीं था फ्रेंड्स मैं ऊपर छत पे काम कर रही थी। ठीक है कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे गमले। और फ्रेंड्स इन पर रेड कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख लीजिए पुराने गमलों को मैंने नया कलर देकर इनमें नई सी जान आ चुकी है। और देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देख लीजिए फ्रेंड्स मैंने सारे मतलब सारे क्या छः सात गमले हैं फ्रेंड्स उनको कलर पेंट कर दिया है। और फ्रेंड्स इन पर मेहरून कलर है जो रेड है फ्रेंड्स, यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सोचा तो बिल्कुल नहीं था फ्रेंड्स एक पोतने लगी और सारे मतलब कलर ही ख़त्म होने पे आ गया। तो दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आ गया इनको और पुराने गमलों को भी नया लुक मिल गया है। और देख लीजिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर पुराने गमलों पर कर दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था और बैठे बैठे कर दिए। कलर पेंट हो चुका है और अब हो चुकी है शाम, अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो चलिए टाइम पता नहीं कितना हो गया है और अभी लाइट जलाऊंगी मैं। और फ्रेंड्स 6:30 बज चुकी है, के कलर पेंट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना कर दिया जाए क्योंकि वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, धूप में ख़राब हो गए थे कलर। तो बाकी के हैं फ्रेंड्स जो उनको कल कर दूंगी। और अभी 6:30 बज चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।